तो फाइनली दोस्तों अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर चुकी है। वहीं दोस्तों आज इस मूवी को सिनेमाघरों में चौथा दिन यानी मंडे का दिन है दोस्तों। वर्किंग डे होने की वजह से मूवी की कलेक्शन में ड्रॉप देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन दोस्तों दिवाली का वीकेंड रहने वाला है तो ये मूवी आज भी काफी बेहतर कमाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो जानेंगे दोस्तों सिंघम अगेन मूवी के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दोस्तों जानेंगे इस मूवी के चार दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन कितना हो चुका है, तो मूवी ने दुनिया भर से कितनी कमाई कर ली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं दोस्तों बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को इंडिया का बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को जहाँ रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, वहीं दोस्तों मूवी का बजट काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ इस मूवी को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया है। वहीं दोस्तों बात की जाए मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में अजय देवगन के साथ तमाम मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे, जहां दोस्तों इस मूवी में अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ के साथ साथ दोस्तों अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ का बेहतरीन कैमियो देखने को मिला। वहीं दोस्तों बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान का भी इस मूवी में धमाकेदार कैमियो देखने को मिला था। वहीं दोस्तों बात की जाए सिंघम अगेन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सिंघम अगेन मूवी को जहाँ भूल भुलैया 3 मूवी के साथ क्लैश का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से दोस्तों दोनों ही फिल्मों के स्क्रीन काउंट काफी कम हो गए, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद जो दोनों फिल्मों ने कमाई की है वो दोस्तों काफी ऐतिहासिक है। जहां दोस्तों सिंघम अगेन मूवी ने शुरुआती 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, वहीं दोस्तों आज चौथा दिन है, वीकेंड से बाहर का दिन है, दोस्तों ये मूवी आज थोड़ी सी ड्रॉप लेती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात की जाए इस मूवी के आज के अभी तक के कलेक्शन के बारे में, तो सिंघम अगेन मूवी ने जहां पहले दिन इंडिया से नेट कमाई की 43 करोड़ 70 लाख रुपए की, तो इस मूवी के पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं दोस्तों बात की जाए सिंघम अगेन के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे दिन इस मूवी ने जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, तो इस मूवी के तीसरे दिन का संडे का कलेक्शन रहा था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 36 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं दोस्तों बात की जाए इस मूवी की आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज इस मूवी को जहां सिनेमाघरों में चौथा दिन है, वहीं दोस्तों आज मंडे का दिन है, लेकिन दोस्तों मंडे का दिन होने के बावजूद दोस्तों दिवाली का वीक डे जो दोस्तों काफी बेहतरीन ऑक्युपेंसी आज भी मूवी हासिल कर रही है। ये मूवी आज चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 16 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर रही है। वहीं दोस्तों सिंघम अगेन मूवी के चार दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 141 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो सिंघम अगेन मूवी ने चार दिनों में टोटल दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन मूवी के शुरुआती चार दिनों के कलेक्शन देखने के बाद दोस्तों ये पता चलता है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाई करेगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है, आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।